हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो ये आज जरा गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर में, तो उनके लिए ना तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे ये खाना बनाया जा रहा है और ये इधर इंस्पेक्शन चल रही है कि खाना सही बनना नहीं बन रहा। ठीक है जी। तो आप ही बताइए कौन आ रहा है। मम्मी बताएगी, मम्मी के सामान वेरी क्लोज टू मम्मी आ रहा है। मम्मी के सुधार आ रहे हैं। मामा जी तो पहले भी हमारे घर आए, मामा जी एंड फैमिली आ रहे हैं। मामा जी तो पहले भी हमारे घर आए हैं, बट मामी पहली बार आ रही है। जय भी पहली बार, जय भी पहले आया हुआ, एक बार आया हुआ है, तो इसलिए मम्मी आ रही है। सारा कुछ ठीक होना चाहिए था। पूरी फुल इंस्पेक्शन चालू है, सफाई वफाई रही है पूरी, खाने की जिम्मेदारी पूरी चेहरे ने संभाल रखी है। मेरी छुट्टी है आज। चलो जी, बस अब इंतजार है, उससे पहले थोड़े बहुत और छोटे मोटे काम। हाँ, थोड़ी बहुत सफाई एंड मोमेंट डाले। चल करिए शुरू। सब्जियां मेरी दोनों बन गई हैं, ये प्याज भी साथ में जाएगा, इसको अचार के साथ, ये क्या कहते हैं इसको, अचारी प्याज कर रही हूँ साथ में। और नान अपने आ गए हैं, तो आज तो फीस्ट होगा। फीस्ट या आज खाएंगे नान, जमानों बाद नान खाएंगे और जिम का सत्यानाश करेंगे। सनी ने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, कहता मैं सीधा यही खाऊंगा लंच की तैयारी। हाँ, और मर्जा टेस्ट कर लो। ओके। मम्मी कहती मैं नहीं जाऊंगी। रिसीव करो जाके। यार ये तो दोबारा से भी कम हो गया तो। हाँ, फिट हो गया। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो आओ। चलो जी। मम्मी है? तेल तो नहीं लिया। इधर ही आराम से बैठ जाए ना। यहीं बैठ। वेलकम टू। मम्मी के 500 star 900 फेवरेट बिठाना। 900 star। मम्मी आगे आगे पहली बार आया है मम्मी। पहली बार आ रही है, क्यों बना रहे हैं? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। मैं दूसरी बार। हाँ, जय भी दूसरी बार आ रहा है, है ना? चलो बैठो। हाँ मेरा बच्चा। कहानी ये थी कि उन्हें बोला जब तक पूरा यज्ञ संपन्न नहीं होता तब तक मैं कुछ खा नहीं सकता। मैं सुबह 4-5 बजे निकला हुआ था घर से, मैं गाड़ी चला रहा था अकेले, ये दोनों पीछे सो रहे थे पापा और मम्मी। मैं अकेला गाड़ी चला रहा था, एक तो बोर तक गया पूरे दिन। ऊपर से जो हवन हो रहा था वो छोटे से ना घर में उन्होंने पूरा बना रखा था सेटअप, छोटे छोटे घर थे वहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर में पूरा वो सेटअप बना रखा था। हर जगह मैट बिछी हुई थी, हर एक मैट के सामने छोटा सा वो हवन का वो रखा रहा था। तो मेरे से पहले पता नहीं कितने और हो चुके थे, जब मैं आया तो उन्हें हवन में जलाया तो एक तो अंदर सब बंद सा था और अंदर वो सारी वो चढ़े धुआं चढ़े, मेरा वैसे धुआं खराब हो रहा, भूख के मारे ऊपर धुएं और खिला दिए। उसके बाद फिर जाके कहीं जाके फिर 2-3 बजे गया, कहते चलो अब संपन्न हो गया, खाना खा लो। अच्छा, किस चीज का हवन था? ये लिए लेके गए थे मेरे को खावन कराने की, जल्दी शादी हो जाए इसकी। शादी करता मेरी, नहीं था मेरी तो हुई नहीं। छोड़ो वो बात की बात। अब तो सब लग चुका है। मतलब कि ये मेरी शादी की एक्चुअल शादी से कितने 3-4 साल पुरानी बात है। थोड़ा एक्चुअल शादी क्या होता है, टाइम लग गया इफेक्ट आने में। चलो ये अब लेके आया जाए छोटे को। सामान चश्मा चश्मा सब सामान संभाल लिया जाता है जब मेहमान आते हैं, तो बटुआ भी है और तो कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है। चलो पहुंच गए लेने के लिए छोटे को। अब
घंटी मार, आई मीन हॉर्न मारा हमने, देखो आता नहीं आता। मामाशी गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसमें मामाशी गाड़ी उठा के लाए। मैं कौन अपनी बहाने का, पहले ये हटाओ फिर अपनी निकालो। यही बढ़िया, आ जा भाई। इसको तो ये नहीं पता जी घर की चाबी कौन सी है, कंफ्यूज ही रहता है। कनाडा कनाडा लगाई होती है किसी ने, बर्फ ही नहीं खत्म हो रही, कल फिर बर्फ पड़ी पूरा दिन। मुझे बोल रहा था साला कि अपना जो है, चलो जान छूटी इस सीजन के लिए, थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ी। इतना आसान थोड़ी है। मैं देखता हूँ अनुने सूद नहीं है जब भी, क्या कहते हैं, मनाली में बर्फ पड़ जाती है, इतनी बढ़िया बढ़िया जो है स्टोरीज और रील्स डाल रहे होते हैं, वाओ स्नोफॉल अगेन। मैं कहता हूं आगे देखो ऐसे जान लेती है स्नोफॉल में, मुख नहीं लगी है, नॉर्मल डे अगेन, स्नो नहीं पड़ती तो टेंशन हो जाती है। ले या सवारी आ गई। जैकेट तो उतार के आऊंगा, जैकेट पहन के अंदर आ गया। माइकल है, उसको भी माइकल ले आया फिर। ये भी माइकल आ गया, ये हो गई है भतीजे के साथ, पापा के साथ अपना जो है कुछ एक्टिविटीज वगैरह एंजॉय करने के लिए। काफी महीनों बाद विंटर एक्टिविटीज जो खत्म होने वाली हैं। नहीं वो वहां गए हैं, वो जो स्काई डाइविंग की वर्चुअल वाली नहीं होती, इसमें नीचे से हवा छोड़ता है बंदा ऊपर होता है। हां मॉन्ट्रियल साइड पे है वो। हां हां बथेरे हैं, बट टोरंटो तो हमें पता है, नियाग्रा में भी है, यहां भी है। वो उसकी तरह जो ऐसे को ढाल देते हैं नीचे से हवा आती है। हां भाई स्काई डाइविंग वर्चुअल एक तरीके से, वर्चुअल तो नहीं होती खैर, वो ओनली उसमें होती है ना। सनी को मैंने कहा था कहता बेकार है। पैसे बहुत लगते हैं, वैसे बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है वो। असली स्काई डाइविंग कर लो, असली स्काई डाइविंग हाउस में भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा तो कितना बेकार है। उस उतने में तो फिर असली स्काई डाइविंग हो जाती है। नहीं असली हो जाती है। तो इस समय आ चुका है सबको पॉपकॉर्न खिला दो, सबको सबको पॉपकॉर्न खिला दो, पॉपकॉर्न्स। That was the trick. चलो भैया खाना रेडी है, चलो आ जाओ आ जाओ। ये तो मामी जी के वाले बनाए हुए छोले हैं। Yeah, exactly. Very nice. दीपक छोड़ दिया कर कभी कभी, जैसे तुम बिजी हो या आ जाए वारंट हो। बाय बाय ओके मनी, ओके जी, ओके बाय 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 बाय। हाँ मम्मी लंच पैक कर दिया बच्चे का। हाँ स्कूल का लंच करनी है ना उसकी। बीवी गई है हमारी, हमारे घर में काम बड़े होंगे, जैसे सैंड्रा बनाती है मैं खाता हूँ। और जैसे ही मैं खाता हूँ सीधा किचन में भांडे साफ करता है। जब तक सैंड्रा का मील खत्म होती है मेरे सारे भांडे धुल चुके होते हैं, जैसे ही वो अपनी आंख चमकाती है उसकी प्लेट उठाता हूँ धो के वापस काम। बंटवारा ओबीडियंट पति, ओबीडियंट पति भी है तो वो भी ओबीडियंट बीवी है, खाना खिलाती है रोज, तो ये ऐसे ही चलता है काम। नहीं है ओबीडियंट सिर्फ मम्मी है हमारी, है ओबीडियंट सिर्फ मम्मी है। ठंड है जी, मम्मी कहती है ओए ठंड है, ओए आज ठंड कम है,
यार बड़ी हवा चल रही है हवा। चलो आओ हम जरा चले छोटे पुत्र को छोड़ने उसके ससुराल वापस। नहीं पता इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, वो कहाँ तक है, क्या ये हमारे प्लॉट की? मम्मी को उतर के ले जाके दिखा बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। 200 कदम होगी, 150 कदम होगी। हाँ उस तरफ बाढ़ लगी हुई है, जब गर्मियों में आओगे ले जाए। हाँ बाढ़ लगी हुई है। हाँ यहाँ पे है मम्मी, गर्मियों में आप दोनों साइड पे है तो हम आपको ले जाएंगे, ठीक है ना। बस घास कटवा दीजिएगा गर्मियों में और मक्खी वाला स्प्रे लगा के आना आप, वो पहले यहाँ पे दवाई छिड़कवा देना मच्छरों वाली। चलो कोई जानवर आया देख, पंजों के निशान जैसे लग रहे हैं दरवाजे के। मम्मी जानवर आया चोरी करने। अब तो क्या पैर के निशान है, अपना पुत्र के पैर के निशान जानवर से लगा। अरे क्या नहीं हो रहे वो देख, दिखाओ भाई खोल के दिखाओ। जानवर है किसके? जानवर के, किसी आते रहते हैं। हिरन के होंगे, हिरन हिरन जैसे लग रहे हैं। हिरन हिरन आ रहे हैं यहाँ पे। चलो ओके जी, ओके बाय बाय। चलो जी मम्मी छाड़ता पुत्र, छाड़ता ससुराल। तो हमारी आज जिम की भी छुट्टी हो गई फिर तो। हमारी यहाँ हमारी जिम की छुट्टी हो गई, आज पूरा संडे हो गया। मजा आया आज तो संडे का। चलो आज मम्मी का थोड़ा वो हो गया, नहीं तो मम्मी क्या होता पूरे दिन टीवी देखती है, ये भी बैठी रहती है। खाना निकल सकते। बाहर भी निकलती है, बाहर वैसे ही अभी हालात है नहीं, ठंड थोड़ी ज्यादा है। आज मौसम थोड़ा ठीक था बट फिर भी इतना अच्छा नहीं था कि मम्मी पैदल अकेली बाहर निकल जाए। तो बट कोई घर के अंदर बैठे बैठे बढ़िया हो गया आज के दिन, अच्छा कट गया सारा दिन। हाँ बढ़िया कट गया, पूरे महीने की खुशी मम्मी से निकल रही थी आज, इतनी खुशी। कितने टाइम बाद मिले मामी से? 6 महीने बाद मिले। 6 महीने बाद मिले। बड़ा चेरी ने बढ़िया बनाया खाना। ये तो हमेशा बढ़िया बनाती है। तारीफ नहीं करता इसकी, वैसे तो अच्छा बनाती है, खुद ही नहीं बेचारी को तारीफ अपनी। सैलेड बना के साथ में जो चिकन स्वाद बना है ना, बहुत स्वाद है ना। मैं क्या बोल स्वाद है, रोज सुबह उठते ही एक तारीफ के बोल। यार देखो मैं कहता स्वाद ना बने तो मैं रोज तो वही चीजें खाता हूँ ना, बोले स्वाद बनता तभी तो खाता हूँ मैं रोज वही चीज। पर फिर भी तारीफ जनानियां मांगती हैं। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो अच्छी बात नहीं है। फिर अगली बार नमक ज़्यादा होगा। अब बस दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, समय आ गया, बस अभी लंच किया था, डिनर का समय आ चुका है। हम करते हैं तैयारी डिनर की, तैयारी डिनर की करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917।